अपने देश में जैसा लगकर कोई इंसान की वाणी सच निकल जाती है और वो जैसा कहता है वैसा होता है और होने लगता है, तो लोग उसे भगवान बना देते हैं। प्रणाम, हाय, खुशामुद्दीन, मैं तो अदरा हूँ आप सबके बिन। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस पिक्चर के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे उस पिक्चर का नाम द जोया फैक्टर। इस जोया फैक्टर के ट्रेलर के बारे में रिव्यू कर रहा हूँ। जैसे आप देख सकते हैं उस पिक्चर के ट्रेलर में कि स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक बच्चे का जन्म होता है और उसी दिन इंडिया वर्ल्ड कप जीतती है 1983 को, और वो बच्ची बड़ी होती है, फिर वो बच्ची क्रिकेट पसंद नहीं करती है, और जैसे ही वो लड़की बड़ी हो जाती है उसे क्रिकेट बिल्कुल पसंद नहीं है और उसे उसी के लिए काम करना पड़ता है। वो अपने काम से उसे निकाल दिया जाता है, उसको अपनी नौकरी से कई जगह से निकाल दिया जाता है। फिर उसकी वाणी जब सच निकलने लगती है तो सब उसे भगवान बना देते हैं, उसे लोग उसे भगवान मानने लगते हैं, और हीरोइन हीरोइन के बीच पहले एक फ्रेंडशिप होता है, फिर उनसे प्यार हो जाता है, फिर अचानक लोग सब उनकी पूजा करने लगते हैं, फिर उसके बाद कई प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, फिर लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। दरअसल ये अपने देश में तो ऐसे ऐसा होना कोई नई बात नहीं है, ऐसे ही होता है। कोई बंदा काफी अच्छा एडवाइस करता है और वो कभी सच निकल जाता है तो लोग उसे भगवान बना देते हैं। दरअसल भगवान तो भगवान ही होता है, कोई अब भगवान की जगह ले नहीं सकता। पर इस पिक्चर के ट्रेलर में आप देख सकते हैं भले वाकई ऐसा होता है, अपने देश में जो हो रहा है उसे पिक्चर में दिखाया गया है, बस और कुछ है नहीं। बस इस पिक्चर में मलयालम एक्टर मिस्टर सलमान काफी अच्छी एक्टिंग किए हैं, और हमारी हीरोइन सोनम कपूर, उन्होंने भी काफी अच्छा एक्टिंग किया है। अगर ट्रेलर तो काफी अच्छा है, देखते हैं आने वाले पिक्चर ये द जोया फैक्टर जब थिएटर में आती है तो कितना अच्छा रंग जमाती है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे चैनल सत्या भाई रिव्यू को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ फैमिली मेम्बर्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। जय हिंद, वंदे मातरम।